हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के सामने एलकेजी की इंग्लिश की वर्कशीट या एक तरीके का सैम्पल टेस्ट पेपर लेके आई हूँ कि किस तरीके से वो आप इसमें बच्चे को सिखा सकते हैं। ये टीचर और पेरेंट दोनों के लिए हेल्पफुल है। देखिए, पहला क्वेश्चन कैसा बन सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन कैसा बन सकता है, मैच द कैपिटल लेटर टू द स्मॉल लेटर। जो कैपिटल लेटर्स है उनको आपको कर्सिव लेटर से मैच करना है। जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारा एन, इसको आप कैसे मैच करेंगे, ऐसे बच्चे को आप बताएंगे ओ, देन ओ पी, इस तरीके से पी, क्यू, ये रहा क्यू, आर, एस, टी, यू, यू शायद दिस इज यू, यू, देन वी, डब्ल्यू, इस तरीके से मीन्स आप सारे जो हैं इस तरीके से मैच करेंगे। फिर आप चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पे। नेक्स्ट वर्कशीट है मिसिंग लेटर्स। मिसिंग लेटर में क्या है, इस तरीके से आपको बच्चे को देना है, एक फिगर बना के देना है और डैश देना है। प्लीज इस चीज का अच्छे से ध्यान रखिए कि अगर आप ये सब कराएं तो अगर टीचर ये देख रहे हैं तो उसको आप रिवीजन के तौर पे आप उसको जरूर ये प्रैक्टिस करवाएं। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो घर पे पहले जो पर्टिकुलर जो स्पेलिंग्स हैं वो बच्चों को आप जरूर करवाएं, तब ही बच्चे को इस तरीके का वो अटेम्प्ट कर पाएगा। तो जैसे देखिए, एप्पल ए लिखेंगे, बॉल बी, सी डॉग, एग फिश, गेट हेड। ये देखिए नीचे आप इसको ना रैंडमली ऐसे भी दे सकते हैं, बी ए सी डी, बच्चे की हेल्प के लिए, या जैसे मैंने लाइन से लिख दिया है तो आप बच्चे को हिंट भी दे सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पे। नेक्स्ट वर्कशीट हमारी बोलती है लेबल द पिक्चर्स। तो आप बच्चों को पहले से ही करवाएंगे प्रैक्टिस कैट, गन, लॉक, पॉट, नेट, इस तरीके से पिन। तो आप बच्चों को पहले ये प्रैक्टिस कराएंगे। इसी तरीके से मैंने कर दिया फिल द करेक्ट कलर, एंड इसमें आप कर सकते हैं राइट फिगर नेम भी, जैसे एक तरीके का हो सकता है तो वैसे ही आपने करना है, एप्पल एप्पल, कैट, लोटस। और जब इसमें आप कलर फिल करेगा तो आप बच्चे को थोड़ा बताइए कि ये रेड कलर है, रेड कलर एप्पल रेड कलर का होता है तो रेड भरना है। इस तरीके से आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, फिल द करेक्ट एंड राइट कलर नेम। टीचर इसको इस तरीके से भी प्रैक्टिस करा सकती है। तो जैसे बच्चा क्या है, कलर फिल करेगा और लिखेगा रेड, कैट कैट जो भी आप बच्चे को सिखाए, ब्राउन, ब्लैक, इस तरीके से लोटस, रेड, क्लाउड, क्लाउड किस कलर के होंगे, ब्लू। तो आप इस तरीके से शू ब्लैक, तो आप इस तरीके से भी बच्चे को प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बनता है। नेक्स्ट हम आते हैं मैच नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो आप कैसे इसको कर देंगे, जैसे ये है हैंड, तो इस तरीके से ये बच्चे के ईवीएस में भी कवर हो जाएगा, ये बच्चे के ईवीएस में भी ये पार्ट कवर हो जाएगा। देन लेग, ये है जैसे आर्म, नोज, आई, ईयर और लिप्स। तो ये बच्चे भी बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे और ये बच्चे का एक 10 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो आप ये बच्चे को बता सकते हैं। देन आपको कुछ बच्चों को ऐसे बताना है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम। तो आप बच्चे को इस तरीके से करा सकते हैं, टैप, लीफ, ईगल, वास, जो भी बच्चों को आपने जो भी टर्म से फैमिलियर करवाया है आप बच्चे को उसमें वो दे सकते हैं, व्हील, रॉकेट। अब दिस और दैट एलकेजी में आता ही है, ये आपको पता है। तो दिस और दैट की आप प्रैक्टिस कैसे करा सकते हैं, ये देखिए इसको बताना है। दिस ये पास में है, ये तो बच्चे को पता ही होगा, ये दूर है, दैट, तो इस तरीके से दोनों है, ये दिस दिस दिस, जिसमें दो आपने ऐसे करें, या इसमें कोई आप ये थोड़ा सा और ये दूर बना देते तो आप इसमें दैट यूज कर लेते। तो बच्चे को आपने ये प्रैक्टिस करवानी है। नेक्स्ट आप किस तरीके का क्वेश्चन दे सकते हैं, राइट एनी टू
साउंड वर्ड्स ऑफ ईच वॉवल. जैसे ए से क्या क्या स्टार्ट होता है, तो जैसे आप बच्चे को बोलेंगे ये वॉवल साउंड है, और ए से जो स्टार्ट होता है एप्पल, एक्स, ई से एग और एलिफेंट, आई से कुछ भी आप बच्चे को आपने आई से जो भी सिखाया आइसक्रीम, इंक, ओ से आउल, ऑरेंज, यू से कुछ भी यूनिफॉर्म, अम्ब्रेला. अब इस तरीके से भी ये एक बहुत अच्छा बन सकता है. अगर आप इसमें इमेज नहीं दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जंबल वर्ड्स, तो डी ओ जी, जी ए आर, वी ए एन, ये देखिए जंबल वर्ड्स हैं ये. पी आई पी ई, पाई, बी ए बी वाई, बेबी. फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन. ए किसमें आता है, अगर बच्चे को आपने सिखाया है क्योंकि एलकेजी के सिलेबस में है ए और एन, तो असरे, अ शर्ट, अ डियर, एन ओवन, एन आंट, वो तो आपने वैसे ही सिखाया होगा, नहीं तो आप वीडियो भी मेरे चेक कर सकते हैं वॉवल के साउंड से. और नेक्स्ट इसी तरीके का बन सकता है सिंपल से, जो आपने बच्चों को और जैसे ए फॉर आप और सिखाइए, एप्पल होता है, एक्स होता है, इस तरीके से आप और सिखाइए. तो जैसे सी से मैंने लोग सिखाते कैट, कार, ये सब बच्चे सीख लिए, तो सी से कोट, ए से एप, ओ से और ऑनियन आ जाएगा, ट्रेन, रोबोट और वायलिन. तो इस तरीके के वर्ड से बच्चों को और आप फैमिलियर करवाइए, और ये भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है. तो यही था मेरा आज का वीडियो. बच्चों को आप इसमें प्लीज प्रैक्टिस करवाइए, और खुद सारे उनको पेजेस दीजिए जिससे कि वो अच्छे से ये प्रैक्टिस करने में एंजॉय भी करें. अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.